तो भी गाइस घर पहुंच गए गाड़ी लेके, यहाँ लगा तो यहाँ। ये तो गाइस आज हमारे घर पे कौन सी गाड़ी आ गई है। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो गाइस आज हमारे दोस्त आए हैं देहरादून से, UK07 राइडर बाबू भी आप जानते हो उनको, तो उनसे मिलना है। आज उनको पहाड़ पे जाना था तो हल्द्वानी आए थे, तो हल्द्वानी में चलो मिलते हैं एक दिन। तो आज लंच वंच साथ में करेंगे, अपनी गाड़ी भी लेके आए वो मस्टैंग GT, तो मस्टैंग चलाएंगे आज और साइडिंग भी लेके आएंगे, देखते हैं कैसी लगती है। नहीं तो हम भी ले लेंगे अगर मस्त लगेगी तो, देखते हैं। चलो फिलहाल चलते हैं निर्मला के पास में, निर्मला को पिक करते हैं और फिर चलते हैं। बाकी पीयूष कुनाली भी स्कूल गए, साहिल अपने कॉलेज गया है, तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं अकेले ही जाऊँगा। चलो भाई चलते हैं, मैंने यहाँ पे कलर्स और स्प्रे भी ले लिया है, बस गाड़ी बचा के रखनी पड़ेगी। मैं तो अकेले निकल गया हूँ घर से, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, निर्मला हॉस्पिटल गए हैं, पता नहीं क्या हो गया यार, अब हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ मैं उनको रंग लगाने जा रहा था, उनको हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ, जाके देख के आता हूँ क्या सीन है। तो अभी हॉस्पिटल से आ गए हैं और भाई मतलब पैर की उंगली तोड़ ली हुई, बेड से उंगली तोड़ ली है, वही वाली जो हम केदारनाथ जा रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ था ना तब टूटी थी, वही दोबारा टूट गई है। अरे नहीं 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 कर, मेरे साथ कुछ कर रहा, अरे नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आपके साथ नहीं कर रहा, आपका पैर टूटा हुआ है, आपको बख्श दूंगा मैं। कौन सा टूटा है? थोड़ा सा इधर पे टूट गया, बेड से उंगली तोड़ रहे हैं देखना। रात को भाई सोया हुआ था, नींद में हो गया काम। गाइज आप सभी भी ध्यान रखना, बेड से बच के रहना, नहीं तो उंगली टूट सकती है। बेड का जो साइड वाला होता है ना पैर, बेड का जो पैर होता है उससे उसे टूट गया, देखो इनका। चलो अब चलते हैं, अभी रंग भी नहीं लगाया मैंने इनको, अभी लगाऊंगा रंग थोड़ा सा लग, नहीं नहीं थोड़ा सा लगाऊंगा, अरे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा तो चलते हैं। अभी हम पता क्या जा रहे हैं नहीं मेरे को भाई कोई आइडिया नहीं है, अभी हम जा रहे हैं UK07 के पास। गाइस होटल तो पहुंच गए। अरे भैया हेलो, ये बाबू भैया की जनता है। गाइस मुझे भी सब्सक्राइब कर देना ठीक है सभी, मुझे भी। तो भी गाइस मैं बैठ गया हूँ भाई की गाड़ी में, मस्टैंग GT में, मैं फर्स्ट टाइम बैठ हूँ इस गाड़ी में और अभी हम जा रहे हैं हमारी सोसाइटी, इस गाड़ी को सोसाइटी में खड़ी करेंगे, बिकॉज मार्केट में ले गए ना भाई, वहाँ तो भीड़ लग जाएगी इस गाड़ी को देख के, गाड़ी को सब पहचानते हैं ना, तो गाड़ी को सोसाइटी में खड़ी कर देंगे और फिर फॉर्चुनर लेके चलेंगे। भाई ये तो बहुत ऊंची है। तो भी गाइस घर पहुँच गए गाड़ी लेके, यहाँ लगा दो यहाँ। ये तो गाइस आज हमारे घर पे कौन सी गाड़ी आ गई है। अच्छा दो कलर है इसमें, इधर से हरी हो रखी है, इधर से काली हो रखी है। खोलो भाई खोलो, बाबू भी आए हैं। नहीं नहीं काटेगा, अंदर आओ ना अंदर, हमारे घर के बाहर ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बस 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 ओरियो बस। कमेंट का एम करो ना। 1 million। ओके गाइस कितने कमेंट होंगे इस पे, कितने कमेंट का एम आपके, तो कर देंगे कितने बताओ, सच्ची में कर देंगे क्या अगर बोल दे तो? 5 lakh कमेंट हो ही जानी चाहिए इस ब्लॉग पर, देखते हैं। नहीं मेरे नहीं आया आज तक कभी। 5 lakh कमेंट, चलो देखते हैं गाइस, सौरभ भाई की जनता देखते हैं इस वाले ब्लॉग पे 5 lakh कमेंट हो पाते नहीं हो पाते, और कितने टाइम होते। मैं भी ले लूं? नहीं, ये कोई रील वील बना रहे हैं यहाँ पे। अब सर भाई आना है यहाँ पर उतरना और फिर आप उस साइड रहना और ऐसे करना बस, ठीक है ठीक है, ऐसे वो भी कर सकते हो, एक ऐसे वाला भी कर सकते हैं। कौन आ रहा है? पंच। यार मुझे रील बनानी नहीं आती ना गाइस, मैं रील बनाता नहीं। ये 5वां टेक ले रहे हैं हम लोग सौरभ भाई के साथ। देखो आपका स्टाइल सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। यार इसको मार्केट में ले गए जाओगे, ये कह रहे हैं इसको नैनीताल लेके जाएंगे, पता नहीं कैसे लेके जाएंगे इसको नैनीताल भाई। ये तो कानों में जा रही, दिमाग में जा रही। तो गाइस अब टाइम आ चुका है रंग लगाने का। हैप्पी होली सौरभ भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो पीयूष भी आ गया स्कूल से। हेलो पीयूष, कहाँ जा रहे हो? हैं कहाँ जा रहे हो? अभी हम लंच ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। अभी आ रहा हूँ यार, आगे चलियो तू, अभी हम ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो भी गाइस हम आगे लंच करने के लिए स्काईडेक, उधर बैठना है, इधर बैठना है, बताओ गाइस। ये देखो व्लॉगर लाइफ, कहीं भी लैपटॉप उठा के एडिटिंग। बिल्ले मंगा दो वेज दाल और दाल मखनी मंगा। तो गाइस हमारा लंच आ चुका है और हम अंदर ही आगे खाने के लिए। तो गाइस मस्त खाने पीने खा के आ गए हैं, तो आज चलाएंगे मस्टैंग GT।
खाना पीने खा के निकल गए हम, और ये देखो अभी तक काम चल रहा है। चलो भाई सोसाइटी पहुंच गए, तो चलो गाइस अब चलते हैं अंदर। तो अब मेरे हाथ में आ चुका है स्टीयरिंग। वाओ मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत लो है ना, तो सौरभ भाई चलाने में ना बहुत फील आती है ऐसे। भाई मजा आ गया चला के, मतलब कैसा लगा? कैसा लगा भाई, इतना डर लग रहा था पीछे। डर लग रहा था और क्या, भर भर पीछे से बड़ी आवाज आ रही थी। तो गाइस बाबू भैया जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी यहीं छोड़ के जा रहे हैं भाई। गाड़ी हमारे भाई को गिफ्ट कर दी हम लोगों ने। गाड़ी हमारे घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। इसके बदले थार ले जा रहे हैं। एक्चुअली गाइस सीन ऐसे, इनको जाना है पहाड़ पे, तो पहाड़ पे ना ये गाड़ी जाने में थोड़ी दिक्कत है, बिकॉज वहाँ गड्ढे वड्ढे हो सकते हैं ना, तो रिस्क कैसे को ले आना है, इसे मैं कहा थार ले जाओ, थार बढ़िया है। अरे अरे मेरे थोड़ा सा, कितने ब्लॉग शूट हो रहे? 3 ब्लॉग शूट हो रहे यहाँ पर। अब चलते हैं फॉर्च्यूनर लेके, मुझे चाबी मिल चुकी है, अब मस्त चलाऊंगा। कितने दिन के लिए मेरे पास, कितने दिन? जब तक आप बोलो यार। तो भी गाइस आ चुका है स्काईडेक, यहीं पे हमारी थार खड़ी है। तो गाइस ये खड़ी अपनी थार, ये लो आप चाबी। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, मस्त है, हमको मिल गई है। पेट्रोल ऑटोमेटिक है, सबसे बेस्ट तो ये लगता है मोस्टर ट्रक अपना। 2-3 दिन के लिए थार रहेगी बाबू भैया के पास में। थैंक यू सो मच फॉर जीटी। ये तो मेरी है अब। तो जीटी मेरी हो गई ना। अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, आराम आराम से। तो गाइस बाबू भैया तो गए, अब बाबू भैया को लगाते हैं रंग। कंफ्यूजन हो रहा है, बाबू भैया बाबू भैया बाबू भैया बाबू भैया। तो गाइज अब हम जा रहे हैं मैगी पॉइंट। तो अभी भरवाया इसमें डीजल, 6,000 का डीजल है इसमें। बहुत पीती है यार फॉर्च्यूनर, बहुत पीती है। तो अभी गाइज पहुंच गए हैं मैगी पॉइंट, जहाँ पे यूजुअली हम आते हैं। गाइज मेरा मन है इस तरह कोई रेस्टोरेंट खोलने का, इन्वेस्टमेंट करने का इस तरह से। कितना सुंदर सा लग रहा है, ऐसी कोई खोलो अपने नाम से ना। माइंड में प्लान तो बहुत कुछ, अभी घर भी बन रहा है, गांव घर भी बनाना है, बहुत कुछ है माइंड में, पूरी भसड़ती मची हुई है मेरे। तो सुन में जा रहा है कैसे कैसे करूँ सब कुछ। अब तो मतलब काम इतने सारे करने का मन कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है इतना। व्लॉग बनाऊँ या फिर काम ही करूँ, घर बनाऊँ। वो भैया मेरा मन भी ऐसे रेस्टोरेंट खोलने का। वो तो खोलना ही है तुम्हारे रेस्टोरेंट, तो खोलते है ना एक अच्छा सा। तो वो पहाड़ में खोलेंगे ना, खुद ही खा रहे होंगे इसमें बैठ के। रिसॉर्ट टाइप का, जहाँ पे रूम्स भी हो रहने के लिए, जहाँ आप लोग आ सको मिलने के लिए। तो मेरा प्लान है ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट का। तो हमारी मैगी और कॉफी आ गई है। तो वही खाना पीना हो गया, तो चलो अब चलते हैं घर। सोसाइटी पहुंच गए, और देखो आज सोसाइटी में मस्त गाड़ी खड़ी है भाई। कलर किसने लगाया, कलर किसने लगाया, और कलर किसने लगाया। तो भी गाइस घर पहुंच गए, और देखो यहाँ पे अम्मा बाबू मटर चल रहे हैं। अम्मा कल आपको स्पोर्ट्स कार में बिठाऊंगा, ठीक है? सबको बिठाएंगे, पूरी फैमिली को बिठाएंगे। तो डिनर आ गया है, ये कौन सी सब्जी है? बीन, आलू बीन और शिमला मिर्च। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू बाबू भैया, बाबू भैया नहीं बाबू भैया। एनी टाइम सौरभ भाई।